ओके गाइस, ये मैंने ब्लैक शीट यूज़ की है आज, जिसमें मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि अगर हम जरदोजी वर्क कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन करेंगे, तो वो किस तरीके से उभर करके आएगा। तो मैं वाइट शीट भी ले सकती थी, आप लोग वाइट शीट भी ले सकते हैं, बट मुझे लगा कि आपको सिखाने के लिए ब्लैक शीट बहुत यूज़फुल रहेगी और इसका इफ़ेक्ट अच्छे से आप लोग के समझ में आएगा। मैंने एक ड्रेस भी इसमें एक पोज़ लिया है, स्टैंडिंग पोज साइड लेग के साथ में, और ये कुछ हैंड इस तरीके से, हैंड मूवमेंट इस तरीके से रखे हैं। इस पे मैंने एक छोटा टॉप दिया है, इंडो वेस्टर्न, ऑफ शोल्डर वन शोल्डर है इसमें, एंड ये जैकेट मैंने ली है, और ये पैंट है इसमें गाइस, ये पैंट मैंने ली है, सिगरेट पैंट इसको यहाँ, और इसके स्लीव्स, जैकेट के स्लीव्स मैंने कुछ इस तरीके से रखी हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स जो चल रही हैं आजकल स्टाइलिश से, कुछ इस तरीके से लिया है। तो सबसे पहले अगर हम जो वर्क हम इसमें शो करना चाह रहे हैं, तो उसको ये मैंने कुछ ब्लॉग बनाया है, जो भी वर्क मैं इसमें शो करूँगी गाइस, तो इसको देखते हैं, ये इस तरीके से दिख जाएगा। अगर हम कोई स्कल अगर देखें, तो सर ने भी इस तरीके की आपको जो बनाना बताया था, कुछ इस तरीके की जो जरदोजी वर्क है किस तरीके से शो होगा, लाइक दिस। जैसे ये सर ने एक बेल बनाई थी पूरा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं गाइस। मैं इसमें सिल्वर यूज़ कर रही हूँ गाइस, जिससे आपको गोल्डन, हम सीधे ये हमने इसमें ये सिल्वर पेन यूज़ किया है, इसमें जिगजैग कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगा सी। तो ये वर्क हमें अपने इस ड्रेस में शो करना है। जैसे आप छोटी छोटी जो हमारी जो जैसे जो लीफ्स हैं, जो लीफ हमें अगर शो करना है गाइस, तो ये इस तरीके से हमारा वर्क पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क इस तरीके से जो शो होना है, ये वर्क मैंने आपको दिखा दिया। अब हम इसको ड्रेस को बनाते हैं। तो बॉडी तो ब्लैक ही शो होनी है गाइस। अब जैसे हमने इसमें ये वाला लिया है, गाइस मैंने रेड ले लिया है, ये रेडिश टोन इसमें थोड़ी आ रही है गाइस।
strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. ये ड्राई होने के बाद पूरा ग्लिटर करेगा वर्क।